भक्तों बोलो सच्चे दरबार की जय। सबसे अच्छे दरबार की जय। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बोलो साबिर प्यारे की जय। कैसे हैं बाबू जी आप? बहुत बढ़िया जी। आप धाम में कैसे आए और कब से आ रहे हैं? मैं 2 साल से आ रहा हूँ धाम में। 2 साल से? थोड़ा इसको खोल के बताएंगे तो ज्यादा आवाज आएगी। 2 साल से आ रहा हूँ धाम में। 2 साल से क्यों आ रहे हैं आप? किस कारण से धाम में आए थे? वो हमारी मिसेज की गर्दन में पैरों में दर्द रहता था। हाँ, फिर क्या हुआ? तो यहाँ नेगेटिविटी कराई। हाँ, चेक कराई। हाँ, हाँ, उसके बाद सब सही है। उसके बाद सही होगी तो क्या आपने डॉक्टरों को नहीं दिखाया था? डॉक्टर को तो दिखाया था। हाँ, वो कौन सा वो बता दे रहे सर्वाइकल बताते सर्वाइकल बताते थे और वो कभी ठीक नहीं हो पाई। तो वो कितने दिन पहले ठीक हुई थी? उसको 2 साल हो गए। तो फिर 2 साल से आप लगातार आते हैं? हाँ, फिर मेरी बहू को कहा था कि इसको बलि करानी पड़ेगी, उसकी भी कराई थी, वो भी ठीक हो गई। उसको तो कुछ था नहीं मतलब। तो फिर आप लोगों को लेके आते हैं? हाँ, बहुत लोगों को लेकर। कितने लोगों को तकरीबन आप लेके आए? 20-25 आदमी। तो क्या वो सारे लोग ठीक हो गए? क्या सारे बीमार हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। इसमें कुछ आपके रिलेटिव होंगे? हाँ, हमारे मेरे साले थे और हाँ, रिश्तेदार थे। तो उनको किस तरह की समस्या थी? उनको तकलीफ होती थी, ऐसे कोई दौरे हो रहे थे, ऐसे पड़े इस तरह से। वो भी ठीक हो गए? वो भी ठीक। क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सर में भी दर्द था, वो भी ठीक हो गए। इनके सर में भी दर्द था, वो भी ठीक हो गए। तो इस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी निगेटिविटी दूर हो जाती है। इस तरह से लोगों के ठीक होने की संख्या में वृद्धि हुई। जब वो संख्या वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो लोग लोगों को भेजेंगे। और आप सबका आशीर्वाद है कि रोजाना हम काम किस टाइम तक करते हैं ये आप सबको पता ही है। तो किसी दिन भीड़ ज़्यादा होती है, किसी दिन कम होती है। किसी दिन हमारा एक ग्रुप पार होकर फिर दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, पाँचवा आ जाता है, और किसी दिन 2 से 3 होते हैं। लेकिन काम हमारे पास रोजाना शाम तक का होता ही होता है। तो इस तरह से सब लोग, और जो लोग बैठे हैं, क्या उनमें भी कुछ लोगों को आराम पड़े हैं? आपको आपको क्या आराम पड़ा है निशा? मैं तो सारे ठीक हो गए थे, दर्द जितने रहा करते थे। दर्द जितने रहा करते थे। आप समझाना एक बात, मुझे इसकी समझ में नहीं आएगी। ये सज्जन है, 100 में से 95% ठीक हो गए। 100 में से 95% ठीक होगी। ऐसा क्या होता था इसको? इसको आपसे छोड़ के मैं ऑल इंडिया में घुमा दिया। तांत्रिक बोलते थे हमने केस देखे इससे नीचे नीचे, ऑल इंडिया में घुमा लिया। और आपने क्या डॉक्टरों को भी दिखाया था? डॉक्टर तो कुछ आपका तकरीबन इस पे कितना पैसा खर्च हो चुका होगा? करीब 5 लाख तो हो गया। 5 लाख के करीब हो गया। तो आप कब से लेके घूम रहे थे निशा को? ये जी मैं 2011 से लेके। 2011 से अब तक तो 9 साल हो गए। 9 साल में तो वैसे ही घूमते घूमते भटकते भटकते। और मैंने देखा जिस जज्बे से आप यहाँ आए, उस जज्बे से आपने आने में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भगवान ने देने में भी तो क्या कसर छोड़ी? नहीं छोड़ी। तो शनिदेव महाराज की जय। आओ आगे आओ, थोड़ा मेरे से चला कम जाता है। हाँ, इसको दिखाने के लिए मैंने सर दिन 400 किलोमीटर बाइक चलाई एक दिन, माने रहते 350-400 किलोमीटर बाइक चलाई है सर्दी के टाइम में इनको दिखाने के लिए। तो कहाँ कहाँ आपने दिखाया? बस जो बंदा जहाँ बताता था वहीं से ले जाता। बहुत तांत्रिक हो गए, बहुत ही तांत्रिक हो गए। श्री धाम मनुविया की जय हो। जय शनि धाम, जय साबिर पीर। मेरा 8-9 साल से काम बांधा हुआ था किसी परिवार में से किसी रिश्तेदार ने। जो भी मैं बिजनेस कर रहा था उसमें मेरा लॉस हो रहा था। जब मैं आपके पास पुराना ने धाम में आया तो मुझे बताया कि मेरी क्रिया करी हुई है जिसमें से मेरे काम के बंधन करे हुए, कभी मैं पनप नहीं सकता। तो जो भी मैं पैसा लगाता था वो वेस्ट हो जाता था, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ दिक्कतें आ रही है। जब से शनि धाम से जुड़ा हूँ तब से मेरा काम बनते जा रहे हैं और मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है और मैं दोबारा आगे बढ़ा हूँ। 2 साल मुझे हो चुके आपके। क्या बात है, इसके लिए कोई और भी ऐसा जो ठीक हुआ है धाम से? कोई और भी हाथ खड़ा करे खाली, आओ। तो क्या ये सारे बीमार है अभी? बाबा के धाम में जी 1.5 साल से आ रहे हैं, 50-60 लोगों को ठीक करा चुके हैं। करने वाले तो यहाँ बाबा ही बैठे हैं जी। मतलब आप भी लोगों को लाके ठीक करा चुके हो? हाँ जी, ठीक तो आप ही बाबा करते हैं, हमारा तो जी हाथ पकड़ के यहाँ तक लाना है। नहीं वो तो बात भाई करते हो तुम, कह रही है मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो खामखा में नाम हो रहा है भाई। और मेरा जी 10 साल से शादी हुई थी, कोई बच्चा नहीं था, मेरा बुढ़िया का जन्म हुआ है यहीं से शनि धाम से। क्या बात है भाई, ये तो इतनी ज्यादा खुशी मिल गई, बिन मांगे मोती बिन मांगे मिले ना भी, जो कहता मैं करता। बहरहाल ये बात मैं आपको सुनाता हूँ। ये जवाब दे दिया था कि बच्चा नहीं हो सकता, इसकी बच्चेदानी निकलवा दो। जब यहाँ पर बच्चा नहीं हो सकता, बच्चेदानी निकलवा दो, लेकिन यहाँ से आके संतान का लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि क्या संतान का लाभ यहाँ से प्राप्त होता है, नहीं।
निगेटिविटी के कारण जो चीज़ आपकी रुकी हुई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चाहे वो संतान प्राप्ति की है, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ से संतान ले जा चुकी हैं। उनकी हम बेशक वीडियो ना बनाएं, लेकिन वीडियो हम क्यों नहीं बनाते, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी एक बहन का कैंसर ठीक हुआ है तो अगर सारे कैंसर के मरीज आएंगे और वो डॉक्टरी होंगे तो मैं कहाँ से ठीक करूँगा, और उनको आने में भी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि कोई एक आदमी अगर बहुत दूरी से आता है तो उसका किराया लगता है, और लोग बिना पूछे फिर आ भी जाते हैं, चाहे वो किसी को मिर्गी का एपिलेप्सी क्यों ना हो। तो इस तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमारी में बिना पूछे वहाँ से चल पड़ते हैं, और उनका किराया बहुत ज़्यादा लग जाता है, और वो किराया हमें दुखता है कि मनु भैया के पास कोई आया और हमने उसको चेक किया, उसको हमारी समस्या नहीं थी, वो व्यर्थ ही यहाँ से गया, तो दिक्कत आती है हमें। तो आप फिर किन किन लोगों को लेके आए, कोई आगे आइए थोड़ा, कोई ऐसा केस याद है जो बहुत दुर्लभ हो और वो फिर हुआ हो, ठीक हुआ हो? 6 महीने में आ गए बिल्कुल, जो हताश भी हो गए थे, मगर उनको हमने भरोसा दिला, बार बार उनके पास पैसे नहीं भी थे तो अपनी जेब से उनको पैसा दे कि हमारे किराया भी हम देंगे, नहीं भी ठीक हुए ना तो भी थारे पैसे हम जिम्मेवार हैं। हाँ, फिर वो बिल्कुल ठीक हुए हैं जी, वो बिल्कुल। कुछ केस थे उनमें थोड़ा समय लगता है, वो 6 महीने लग गए, मतलब ये बात तो हम ही कह देते हैं भाई, कुछ केस में समय लग सकता है, किसी में 6 महीने लगे, लेकिन वो भी ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो आपके ऊपर कोई भार तो नहीं रहा किसी अन्य व्यक्ति का? अगर कोई भार हो किसी व्यक्ति का कि भाई हम ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप भेज सकते हैं मेरे पास, मैं पर्सनली उनको देख लूंगा। बिल्कुल ठीक है जी सब। और आपके पास आपने जितने लोग ठीक कराए हैं, क्या उनमें से किसी आदमी का भार तो नहीं है जी? साथ ही आते हैं शनिदेव का, दोनों भाई। अच्छा, ये भी साथ ही? भाई इनको तो मैं जानता हूँ, मैं तेरे को भूल जाता हूँ। हमने जी कम से कम 50 मरीज ठीक करवा दिए जी, किसी के नेगेटिविटी, किसी के वैसे पैरों में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी के शर्म में आराम। अब आप देखो, आपकी जो आयु है, आपकी आयु में कहते थे कि भूत प्रेत होते हैं। हाँ जी, ठीक है ना। और अब के लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। नहीं नहीं होते। और आपने उन लोगों को ठीक कराया जिनके सर कभी नहीं घूमते थे? हाँ जी। और उनको दर्द रहते थे? दर्द रहते। तो फिर क्या, अभी एक मरीज को तो अभी लाए हुए हैं जी, एक मरीज को अभी लेके आए हुए अभी है जी। ये वैसे हमारे नाते में भाई की औरत है, छोटे भाई की, वो भी सब ठीक हो जाएंगे, बाबा सब भली करेंगे, भली करेंगे इसकी। और कोई है जो ठीक हुआ है, हाथ खड़ा करे बस, केवल बताए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बताए ना, कोई दिक्कत नहीं बताने की। लक्ष्मी वास करती है जी आने से हमारे दर। हाँ, और जिसको भी लाते हैं उसी का हरतरिया की बीमारी खत्म, उसके काम में वृद्धि जी, बहुत लाभ मिलता है जी, हर तरह से लाभ मिलता है। तो शनिदेव महाराज कल्याण करें। बोलो सच्चे सबसे अच्छे शनिदेव। एक और हमारी बहन ठीक हो चुकी है, लेकिन बताए ना बताए, प्रोमिला वो सदैव खुश रहती हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात, मैंने उनको दुख में भी सुखी देखा है, आके रोती रहती है सारा दिन, और जब दर्द भी होता था तो समझ जाता था क्यों हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ आके ना एक मन की शांति होती है, खुश हो जाती हूँ बस, इसलिए मैं चली आती हैं और टाइम निकाल के बीच बीच में भाई से और भाभी से मिलने आती आती हैं। भाई की थोड़ी कम लाडली है, भाभी की थोड़ी ज़्यादा लाडली है। जय शनिदेव सबको, जय शनिदेव।